हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अभी तक हम लोग मोलैरिटी मोलैरिटी वगैरह पढ़ चुके हैं, इनके न्यूमेरिकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के लेक्चर भी डाले हैं इसके। ठीक, हमने आपसे कहा था कोई आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन, और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल तो कम से कम आज हो ही जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से समझ आ रहा है, फ्रैक्शन मतलब यहां हम कहीं ना कहीं फ्रैक्शन की बात करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसा कुछ हम बात करेंगे यहाँ। मोल मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो नाम से किसी भी चीज का नाम काफी कुछ उसके बारे में बता जाता है। ठीक है, चलिए, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाया जाता है। ठीक है, चाहे एक्स कैसा भी बना, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, कोई एक सॉल्यूशन है, आप जानते हैं 12th क्लास में हम लोग जनरली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। आप एक बार में किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, आप ये मत सोचे कि बेटा एक फॉर्मूले में आप दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। ठीक है, तो एक बार में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देन हम आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देन व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? चलिए मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो। मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो, नाम में लिखा था फ्रैक्शन तो आगे रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर, टू द टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसकी जनरल सी डेफिनेशन हो गई मोल फ्रैक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये जनरल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप देखें, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, इसमें एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन को यहां लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाया जाता है? मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऐसे, मान लीजिए मैं सॉल्यूट को ए मान रहा हूं, लेट इट बी ए। तो मैंने क्या बताया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो नीचे आने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मैं ए को सॉल्यूट मान रहा हूं, बी को सॉल्वेंट मान रहा हूं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आपका टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है एक्स बी, ठीक है, वही डिनोमिनेटर में एक ही चीज आएगी, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ भी Na plus NB, Na plus NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमरेटर में क्या आएंगे, देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हो उसी के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में लिख दीजिए। तो एक्स भी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आ गए टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए मान लीजिए इन केस आपके पास एक्स ए है तो एक्स बी निकालने के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक्स बी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक्स बी को फाइंड करने के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी फॉर्मूले में एक्स बी फाइंड करने के लिए 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ध्यान रखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर किसी कॉस किसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उस केस में ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन एंड सी का मोल फ्रैक्शन, तीनों का सम भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो अगर आप सबका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो तो उसका सम इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो जैसे यहाँ सॉल्यूशन में मेरे पास दो कंपोनेंट थे, एक था मेरे पास सॉल्यूट ए, सॉल्वेंट था बी, मैंने दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करा और इन दोनों का सम आएगा 1। ठीक है, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। चलिए एक बार ये चीज भी करके देखते हैं सम 1 आता है कि नहीं आता। चलिए तो जैसा अभी हमने निकाला दैट एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और हमने एक्स बी की वैल्यू जो फाइंड करी दैट इज एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ए को मैंने यहाँ सॉल्यूट लिया है, बी को मैं सॉल्वेंट लिया है, आप खुद आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने बोला इन दोनों का सम 1 आएगा तो करके देखते हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, और एन ए आप एक्स ए प्लस एक्स बी कर रहे हैं, एक्स ए की वैल्यू डाल दी है तो चलिए एक्स बी की वैल्यू डालते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। इन दोनों को ऐड करेंगे, बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है, दैट इज एन ए प्लस एन बी डिनोमिनेटर में बचेगा, न्यूमिनेटर में इन दोनों को ऐड करेंगे एन ए प्लस एन बी, दोनों ने कैंसिल किया, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां तो मैंने दो कंपोनेंट का किया, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट होंगे तो वहां पर भी तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही आएगा। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 10 कंपोनेंट हैं तो 10 के 10 का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए तब भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए ये भी करके देखते हैं, एक्स सी एन सी डिवाइडेड बाय एन ए, चलिए इसको करने के लिए अगर किसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट होंगे तो यहां पर फॉर्मूला तो थोड़ा सा चेंज होगा, तीन कंपोनेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन सी भी बनेगा प्लस एन सी। ठीक है, तो मैं टोटल अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा सी कंपोनेंट का क्या निकलेगा, वो एन सी डिवाइडेड बाय से एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब आप तीनों को ऐड करके देख लो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, इसका प्रूफ ऐसा एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बस मैं आपको जनरल चीज करके दिखा रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में, मोल फ्रैक्शन, एक छोटा सा पॉइंट, हैज नो यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट्स नहीं होती।
मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो और रेशियो के कभी यूनिट नहीं होती है ना, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, ठीक है। और इसके इसके बारे में एक बात और, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बहुत बेसिक सी चीज है। तो मोल फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, एक्स ए एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, दिस इज मोल फ्रैक्शन, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, जनरल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो ये मोल फ्रैक्शन के बारे में बहुत सिंपल सी चीजें हो गई। अब इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए, मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, मोल इसमें न्यूमेरिकल में आपको बोला है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा, पहले सबसे पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए न्यूमेरिकल को सबसे पहले ब्रेक करके पढ़ो, पूरा न्यूमेरिकल एक साथ नहीं पढ़ना, ब्रेक करके पढ़ो, उसके बारे में सोचो क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में वैल्यूज क्या दी गई है, क्या क्या चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल इसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है, आपको इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x और नीचे लिख दिया C2H6O2। एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको इथाइलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और उस सॉल्यूशन के बारे में आपको क्या बोला है, कंटेनिंग 20% इथाइलीन ग्लाइकॉल बाय मास, कंटेनिंग 20% इथाइलीन ग्लाइकॉल बाय मास, ठीक है। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऐसी जो चीजें जो लिखी होती है, दिस इज मास परसेंट, और इसका मतलब क्या होता है, 20 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है, 20% इथाइलीन ग्लाइकॉल बाय मास मींस 20 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखिए, आपको केवल सॉल्यूट के बारे में बोला है, देयर इज यहां पर आपको कहीं भी सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जब मैंने कहा था सॉल्वेंट के बारे में कुछ ना बोला जाए, सॉल्वेंट को आप वाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट इज C2H6O2 एंड सॉल्वेंट इज व्हाट, सब कुछ ठीक है, जब तक इन न्यूमेरिकल्स में आपको ये नहीं पता होगा व्हाट इज सॉल्यूट व्हाट इज सॉल्वेंट, तो पॉसिबल नहीं है करना, है ना। तो आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल, मतलब आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, सॉल्यूट का कितना मास दिया हुआ है, 20 ग्राम, अभी अभी हमने बताया, ठीक है। बेटा देखो, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का 20 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 80 ग्राम, इसका मास कितना होगा 80 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यूज को हमने सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यूज हमें दी गई थी उन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, एक्चुअली सिंप्लीफाई बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइलीन ग्लाइकॉल का, तो देखते हैं मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड होगा इसका। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। चेक कीजिए,
मोल फ्रैक्शन को हम निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें ये सब क्वांटिटीज भी तो फाइंड करनी है, इनकी वैल्यूज तो मेरे पास नहीं है। तो पहले इन क्वांटिटीज को फाइंड करेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इन क्वांटिटीज को अगर फाइंड करते हैं क्या क्या है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, मोल कंसेप्ट में आपको पढ़ाया जाता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल C2H6O2, मतलब मास ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले चलिए मोलर मास निकालते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल का। मोलर मास इथाइलीन ग्लाइकोल कितना होगा, C2H6O2 बेटा कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 एंड प्लस ऑक्सीजन का 2 × 16 हो गया। आप इसको सॉल्व करें जरा, इसको सॉल्व करके करीब 62 आएगा ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास, 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इथाइलीन ग्लाइकोल का मोलर मास, C2H6O2 का मोलर मास। ये क्यों कैलकुलेट किया, ये इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे भाई। जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे मोलर मास की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही मोलर मास वाटर का, वाटर का मोलर मास तो सभी जानते हैं, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। कितना, 18, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज हमने फाइंड कर ली, अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या मास दिया हुआ है आपको इथाइलीन ग्लाइकोल का, 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 62, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास करीब करीब आंसर आएगा 0.322, ठीक है। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हो, दैट इज मोल, ठीक। फिर निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जब वाटर फाइंड करेंगे आप, दैट इज मास बाय मोलर मास। तो वाटर का मास क्या है, चेक कीजिए, 80। इसका मोलर मास कितना है, वाटर का कितना फाइंड किया हमने, 18, ठीक है। जब इनको आप डिवाइड करेंगे, दैट इज 4.444 करीब मोल आया, ठीक है, 4.444 मोल। अब हमारे पास केवल लास्ट पार्ट है टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे इसका, C2H6O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल ऊपर लिखते हैं 0.322 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल 0.322 प्लस 4.444, ठीक है। ये फॉर्मूला था, मैंने सारी के दोनों की दोनों वैल्यूज उठा करके फॉर्मूले में रखी। इसको सॉल्व करोगे तो C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन आपके पास निकल के आएगा करीब 0.068, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट इज यूनिटलेस बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो, ठीक है। केवल टाइम बचाने के लिए इसको हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाटर का मोल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या बना, 1 - 0.68, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 0.932। अगेन इसका कोई भी आपके पास यूनिट नहीं है बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे रिलेटेड मैं आपको और न्यूमेरिकल कराऊंगा, और
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी तो खैर पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, एक दो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स और रहती है, उनके थोड़ा से न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे अबाउट हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तब तक के लिए इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास कुछ और डाउट्स हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।